हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सिबीगंज बरेली में। देखिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपके लिए बताया था कि एक्सरसाइज 4.4 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम कराएंगे अगली वीडियो में, तो आपके लिए लेकर के आ गए हैं वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। पूरी देखेंगे वीडियो, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको गहन अध्ययन मिलेगा इसमें। अब देखिए, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने के लिए बचे थे, तो यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज 4.4 का जो है दूसरा प्रश्न कराने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दूसरा, पहला मैंने आपके लिए करा दिया था। तो दूसरा प्रश्न यहां पर है आपके लिए। दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहे हैं 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का 1/3 है, और वो भी यहां पर योग 1/3 है। अगर मैं मानू रहमान की आयु, मैं मानूंगा ये रहमान की आयु, तो जब मैं यहां पे लिखूंगा रहमान की आयु तो मान लूंगा एक्स वर्ष। कितनी वर्ष? एक्स वर्ष। तो रहमान की आयु एक्स वर्ष है। और इसी तरीके से अगर मैं मान लूं कि 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले आप 3 वर्ष पहले लिखेंगे, तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु वर्षों में है का व्युत्क्रम। तो अगर रहमान की आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पहले कितनी होगी, तो x माइनस 3 होगी, 3 वर्ष पहले की x माइनस 3 वर्ष। इसी तरीके से अगर हम मान के चलेंगे कि 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आयु, अगर 5 वर्ष बाद आप आयु निकालेंगे तो देखिए यहां पर x वर्ष है उसकी, और 5 साल और बढ़ा दो तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, इनका जो योग है व्युत्क्रम का योग वो 1/3 है। इनका व्युत्क्रम करिए तो हम व्युत्क्रम करना है, इनका व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो व्युत्क्रम करेंगे आपके लिए 1/x-3 हो जाएगा, दूसरे का करेंगे तो 1/x+5 हो जाएगा। अब इनका योग जो है वो 1/3 है, तो योग कर लेते हैं 1/x-3 प्लस 1/x+5 और बराबर में 1/3, ये हो गया। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 5 इधर आ जाएगा गुणा में, और x प्लस 5 इधर आ गया, x-3 इधर आ गया, और बटे में x-3 और गुणे में x+5 बराबर में 1/3। अब देखिए यहां पर x और x मिलकर के 2x हो गया, 5 में से 3 चला गया आपके लिए, 5 में से 3 चला गया तभी आपके लिए 2 बचा, तो प्लस का 2 और बटे में यहां गुणा करा लो, x की गुणा x से करोगे तो x2, x की गुणा 5 से करोगे तो 5x, -3 की गुणा x से करोगे तो -3x, और -3 की गुणा 5 से करोगे तो यहां पर आपके लिए 15 आ जाएगा, -5 = 15 बराबर 1/3। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर 2x+2 और बटे में आ जाएगा आपके लिए x2, और ये 5x में से 3x चला गया तो बचा आपके लिए 2x और माइनस का आ गया आपके लिए 15 और बराबर में 1/3, ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां लिख लेंगे 2x+2 और बटे में x2+2x-15 बराबर में 1/3। अब यहां पर बच्चों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी इसके साथ गुणा, इसकी इसके साथ, तो 3 × 2x+2 बराबर में 1 × x2+2x-15, ये हो गया। तो 3 × 6x+3 × 6 बराबर में x2+2x-15। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को उधर ले जाओ, इधर बचेगा 0, तो x2+2x 6x को उधर ले जाएंगे, -6x हो जाएगा, और 6 को उधर ले जाएंगे, -6 हो जाएगा, और -15 अपने पहले से ही है। तो 0 बराबर x2+2x, यहां पर 6x में से यहां पर 2x चला जाएगा तो आपके लिए बचेगा -4x, और 15 और 6 यहां पर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपके लिए 21, -21 हो गया। इसको समीकरण को सही तरीके से लिख लो, x2-4x-21 बराबर में 0। अब हमें इसके गुणनखंड करने, 21 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर 4 आ जाए, तो 7 3 21,
सात तिया 21 और 7 माइनस 3 बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 21 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के गुणा माइनस से प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। तो यहां पर आप देखिए कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 7 बचा, प्लस 3 गुणा एक्स माइनस 7 यहां भी बचा बराबर में 0। तो यहां पर x माइनस 7 कॉमन है आपके लिए, तो x माइनस 7 और x प्लस 3 बराबर 0, तब दोनों फैक्टरों को हम 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 आ जाएगा। इसी तरीके से x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 3। अब एक वैल्यू आप रख दीजिए 7, 7 वैल्यू रख दीजिए, यानी इसका मतलब रहमान की आयु कितनी है, तो रहमान की आयु लिख लेंगे, रहमान की आयु 7 वर्ष, कितनी है 7 वर्ष रहमान की आयु हो गई, ठीक है ना। तो यहां पर आपके लिए यह दूसरा प्रश्न हो गया। अब आपके लिए तीसरा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो तीसरा प्रश्न अब आपके लिए कराएंगे। देखिए तीसरा प्रश्न कराने जा रहे हैं, तो तीसरा प्रश्न कह रहे हैं, एक क्लास टेस्ट में नेहा के गणित तथा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। अब मान लीजिए एक नेहा है, नेहा, नेहा नाम है लड़की का, और इनके गणित में यहाँ पर दो सब्जेक्ट इनके पास यहाँ पर बताए गए हैं, एक है गणित और एक है आपके लिए अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी है, ठीक है, गणित और अंग्रेजी है। और इनका अगर मान लो इसमें एक्स नंबर प्राप्त किए हैं, इसमें बाई नंबर प्राप्त किए हैं, तो इनका जो नंबरों का योग है, प्राप्त किए गए अंकों का योग है, वो 30 है, यानी एक्स प्लस बाई बराबर में 30, समीकरण नंबर एक, ये एक हो गया। इसी तरीके से अब आपके लिए बोला गया, यदि उसको गणित में दो अंक अधिक, गणित में दो अंक अधिक, यानी पहले x थे, अब दो अंक अधिक हो गए, तो x प्लस 2 हो गए, x प्लस 2। और कह रहे हैं अंग्रेजी में तीन अंक कम मिले हों, तो अंग्रेजी में तीन अंक कम मिलने का मतलब है y माइनस 3, अंग्रेजी में कम तीन अंक मिले, तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता है, यानी इनके अंकों का गुणनफल x प्लस 2 और y माइनस 3 के अंकों का गुणनफल कितना है, तो ये हो गया आपके लिए 210, कितना हो गया 210। अब आपके लिए इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना हम आपके लिए बताते हैं। यहां पर x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां पर समीकरण एक से, तो हम लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से यहां निकाल लेंगे x प्लस वाई बराबर 30 दिया गया है, तो x बराबर आ जाएगा 30 माइनस वाई, x बराबर 30 माइनस वाई, ये x का मान यहां डाल देंगे, तो लिखेंगे x का मान 30 माइनस वाई, और प्लस का यहां पर हो जाएगा 2, और y माइनस 3 बराबर में 210, ये आ गया। मैंने समीकरण 2 में इसकी वैल्यू डाल दी, अब देखें क्या हो जाएगा, 30 और 2 32 हो जाएगा, 32 माइनस वाई, y माइनस 3 बराबर में 210, गुणा करा देंगे, 32 की गुणा बाई से कराएंगे, 32 बाई, 32 के 3 से कराएंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96, माइनस का 96, वाई की वाई से होगी तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस की गुणा माइनस से होगी तो प्लस का हो जाएगा 3y और बराबर में 210। तो यहाँ पर माइनस से गुणा करा देंगे बाद में, लेकिन माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर को पहले लिख लो, वाई स्क्वायर पहले लिख लिया, ये 32y है और 3y है, 32 और 3 जुड़ जाएगा, तो आपके लिए कितना बचेगा यहाँ पर, प्लस का हो जाएगा 35y, और ये जो 96 है लिखा हुआ उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 210, और यहां पर आपके लिए हो जाएगा 210 प्लस 96, यानी माइनस से बाद में गुणा करा देंगे, अभी लिख लो माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 35y, और 210 को 96 से जोड़ लीजिए आप, ये जोड़ लेंगे 6, 9 एक 10 का 0 हासिल लगा 1, ये 3, 306 आ गया, यानी बराबर में 306 हो गया। अब आप गुणा करा दीजिए माइनस से, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 35y हो जाएगा, और ये माइनस से गुणा कराओगे तो ये माइनस हो जाएगा, इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी इसका मतलब प्लस का 306 बराबर 0। अब ये समीकरण आ गई, और इसको सॉल्व कर सकते हैं, किससे, श्री धराचार्य विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ए का मान यहाँ पर 1 है, और बी का मान है माइनस का 35, और सी का मान है 306, तो इसको हम श्री धराचार्य विधि से सॉल्व करेंगे, कैसा करेंगे आप देखेंगे। देखिए बच्चों, अब यहां से वही करते हैं आपके लिए,
माइनस का बी होता है तो माइनस का माइनस 35 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर माइनस का और माइनस 4 गुणे ए का मान है हमारे पास 1 इंटू सी का मान है हमारे पास 306 ये है और बटे में 2a होता है तो 2 गुणे ए का मान है आपके लिए 1। तो सॉल्व करेंगे माइनस के गुणा माइनस प्लस हो जाएगा 35 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 35 का वर्ग करेंगे तो 35 का वर्ग हम यहाँ पर करके दिखाते हैं 25 का 5 2 5 3 15 और 2 17 गुणा 3 5 15 का 5 हासिल लगाए 3 3 9 और 1 10 तो ये 5 7 5 12 का 2 हासिल लगाए ये 2 और ये 1225 आ गया। तो मैंने लिख दिया 1225 और माइनस 4 के गुणा यहाँ कराओ 4 चक्के 24 का 4 हासिल लगा 2 4 0 0 2 4 3 12 1224 और बटे में 2 1 कम 2। अब यहाँ पर इसको घटा लेंगे तो 35 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1225 और माइनस का आपके लिए है 1224 बटे में आपके लिए 2 है ये 1225 में से 1224 घट जाएगा बचेगा 1। तो 35 प्लस माइनस 1 1 ही आएगा रूट का 1 1 आएगा 2 एक बार प्लस में ले लेंगे तो 35 प्लस 1 बटे में 2 यानी 36 बटे में 2 दो से काट देंगे 2 से 18 बार में ये कैंसिल हो जाएगा यानी 18 इसका मान आ गया। तो यानी आप कहोगे यहाँ पर y का मान 18 आ गया तो x का मान निकालोगे तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा समीकरण में मान रखना पड़ेगा जो कि समीकरण दी गई है x प्लस y बराबर 35 समीकरण नंबर 1। तो x का मान आप y का मान रख दो तो x प्लस 18 बराबर में 35 तो x बराबर हो जाएगा 35 माइनस 18 तो 15 में से 8 गया 7 और 2 में से 1 गया 1 17 यानी जो पहले नंबर हैं गणित में इसके 17 नंबर हैं यहाँ पर और इसी तरीके से जो y दिया गया है उसमें 18 नंबर यानी अंग्रेजी में 18 नंबर है। तो फाइनली आपके पास आंसर आ चुका है और इस तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल पैटर्न के तरीके से बताया है। देखिए स्टूडेंट अब आपके लिए यहाँ पर चौथा प्रश्न है चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो चौथा यहाँ पर आपके लिए कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कैसे होगा क्या करेंगे आपको बताते हैं। सवाल है एक आयताकार खेत का विकर्ण। देखिए एक आयताकार खेत है इस तरीके से आयताकार खेत है और इसका विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है यानी इसका जो विकर्ण है इस तरीके से और जो छोटी भुजा है यानी अगर छोटी भुजा मैंने x मान ली क्योंकि आयत है आयताकार खेत है तो उसकी छोटी भुजा क्या होगी ये वाली ये इसकी विड्थ होगी जिसकी चौड़ाई तो अगर चौड़ाई इसकी x है तो उसके विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है यानी विकर्ण जो है वो 60 मीटर अधिक लंबा है यानी x प्लस 60 है। अगर ऐसा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है यानी ये वाली x प्लस 30 है तब आपके लिए क्या करना है अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए यानी इस खेत की आपके लिए भुजाएं ज्ञात करनी है। तो भुजाएं ज्ञात करनी है इसके लिए आप क्या रूल लगाओगे यहां पर आपके लिए रूल लगा देना है जानते हो कौन सा इस तरीके से यहां पर आपके लिए दिया गया है ये अगर ये x माना है और इसी तरीके से हमें बड़ी भुजा तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए ठीक है ना। तो यहां पर एक रूल लगा देंगे क्या रूल लगाएंगे ध्यान से सुनिए ये भी आपके लिए x ही है ये भी x है क्योंकि ये यहां पर x है तो ये भी x है अब इसके लिए रूल लगा देंगे क्या लगा देंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग कर्ण कितना है इसका ये है कर्ण इस त्रिभुज के लिए कर्ण x प्लस 60 है तो कर्ण का वर्ग बराबर में आधार कितना है x प्लस 30 इसका स्क्वायर प्लस लंब कितना है यहां पर x तो x का स्क्वायर अब क्या करेंगे इसका स्क्वायर खोल देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे x गुणे 60 ये आ जाएगा फिर बराबर में इधर a प्लस बी का स्क्वायर करिए एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर देखिए x स्क्वायर हो गया इसी हिसाब से अगला क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से फिर यहां पर y स्क्वायर यहां पर 30 का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर और फिर 2ab यानी 2 गुणे a का मान x से गुणे 30 ये हो गया और प्लस का x स्क्वायर लिखा है अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग 36 और ये डबल जीरो आ जाएगा
तो 36 डबल जीरो यानी 3600 और 2 × 12 यानी 120 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 × 3 = 9 और यहाँ पर आपके लिए 00 आ जाएगा 900 आ जाएगा और प्लस 2 × 3 = 6 और यहाँ पर 0 60x + x2 ये आ गया। अब क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का इधर भी प्लस का ये तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पर एक दूसरे से नंबर को इन नंबरों को उधर जाते हैं देता हूँ इधर जीरो कर लेता हूँ तो उधर बचेगा हमारे पास 900 और प्लस का 60x प्लस का एक्स स्क्वायर ये वाला 3600 उधर ले जाऊंगा माइनस का 3600 और ये 120x उधर ले जाऊंगा माइनस का 120x। अब सॉल्व करूंगा देखिए ध्यान से 3600 में से 900 निकाल दूंगा यहां पर 3600 माइनस का है ये प्लस का है तो 3600 माइनस 900 00 16 में से 9 गया 7 ये 2 2700 हो गया यानी ये बचेगा आपके लिए 2700 और 60x और 120x तो 120 में से x में से 60x घट जाएगा तो आपके लिए 60 ही बचेगा माइनस का 60x और प्लस का x स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपके लिए समीकरण जो सॉल्व की है वो यहाँ तक पहुँच गई है यानी अब आपके लिए इधर 0 बचा इधर 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर माइनस का 3600 माइनस का 120x आ गया। अब देखिए यहाँ पर 3600 में से यहाँ पर माइनस कीजिए 900 को तो 3600 में से मैंने 900 माइनस किया तो यहाँ पर आपके लिए 2700 आ गया ये 2700 आ गया यहाँ पर तो कैसा आएगा निगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है 3600 इसलिए निगेटिव आएगा 2700 ये घट गया तो माइनस का 60x आएगा और प्लस का x स्क्वायर यानी अब समीकरण हमारे पास बनेगी x स्क्वायर माइनस का 60x और प्लस का यहाँ पर माइनस का 2700 ये बनेगा बराबर में 0 ये बन गया। आप सिंपली क्या करेंगे इसकी कंपेयर कर लेंगे a बराबर 1 हो जाएगा b बराबर माइनस 60 हो जाएगा और c बराबर माइनस का 2700 हो जाएगा तो ये सिंपली सॉल्व कर लेंगे माइनस माइनस 60 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान माइनस का 2700 ये आ जाएगा और बटे में 2a यानी 2 गुणे ए का मान है 1 तो यहाँ पर प्लस का 60 हो जाएगा 60 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 60 का वर्ग यहाँ पर 36 6 का वर्ग 36 और 00 आ जाएगा माइनस के गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और 4 के गुणा करा लो 400 4 सत्तर 28 का 8 हाँसी लगा 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 10800 और बटे में आ गया आपके लिए 2 तो 60 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 3600 में 10800 में जोड़ दो 3600 जोड़ दो आप तो कितना आ जाएगा 00 8 से 14 का 4 हाँसी लगा 1 4 ये 14400 आ जाएगा कितना आ जाएगा 14400 आ गया और बटे में 2 अब 14400 का वर्गमूल आपके लिए निकालना है तो 14400 का वर्गमूल ऐसे करके निकालेंगे ये लिखा मैंने जोड़े बना लिए यहाँ पर एक से एक बार में करेंगे तो यहाँ पर एक एक कम एक आ जाएगा 0 यानी एक और एक जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 44 उतार लेंगे तो यहाँ पर कितना नंबर डालें कि 44 हो जाए तो आप यहाँ पर डाल के देख सकते हैं 2 तो 2 से ही गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा यानी इसका मतलब 1 और 2 और 00 का 1 0 लग जाएगा यानी 120 आ जाएगा तो 60 प्लस माइनस 120 बटे में 2 एक बार प्लस करेंगे तो 60 प्लस 120 बटे में 2 यानी जोड़ लो 120 और 60 180 बटा में 2 2 ने 18 90 आ गया तो ये जो 90 आया है वो एक्स भुजा आई है यानी छोटी भुजा जो है छोटी भुजा कितनी आई है तो वो आई है 90। अगर छोटी भुजा 90 है तो इसका आधार क्या होगा तो बड़ी भुजा हो जाएगी आपके लिए 90 प्लस 30 यानी 9 × 3 = 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके लिए सवाल हो चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए कराए इस वीडियो में और आप इसको लगातार देखते रहिए हमारी वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेंगे और इसी तरीके से मैथ को सीखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।